हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है प्रताप लक के चैनल में। दोस्तों, अभी जो एम्पियर के मैग्नस के तरफ से एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल लॉन्च हो चुका है, जो कि रेंज देने वाली है 121 किलोमीटर की रेंज, तो बहुत सारे लोगों के दिलों पर छा चुका है। और भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये क्या एम्पियर मैग्नस प्रो से बेहतर है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं, इन दोनों वेरियंट को कंपेयर करने वाले हैं, एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल और एम्पियर मैग्नस प्रो के मॉडल। तो इन दोनों वेरियंट में अगर आप दोस्तों कन्फ्यूज है लेने के लिए तो कौन सा वाला मॉडल लेना चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरे जानकारी आप दोस्तों पा सकोगे कि कौन सा वाला मॉडल आपको बेहतर फीचर्स और बेहतर रेंज और बेहतर प्राइस के साथ आपको मिल रहा है। तो चले दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ पास में बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के अपडेट वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन आपसे छूट ना हो। शुरुआत करते हैं कलर ऑप्शन से। एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल में आपको रेड कलर ऑप्शन मिल रहा है, जो कि सिंगल कलर के ऑप्शन में, और इसका और कोई कलर वेरिएंट अभी तक नहीं आई है। और एम्पियर मैग्नस प्रो के वेरिएंट में आपको फोर कलर ऑप्शन मिल रहा है, जो कि व्हाइट, मेटालिक रेड, गोल्डन येलो एंड ब्लैक कलर के ऑप्शन में। लुक्स और डिजाइन की बात करें, एम्पियर मैग्नस ईएक्स में आपको फ्रंट में थोड़ा क्रोम पैड का यूज किया गया है, नहीं तो बाकी फीचर्स आपको एम्पियर मैग्नस प्रो के जैसा ही लुक आएगा। दोस्तों, एम्पियर मैग्नस प्रो के जैसा ही आपको एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल देखने को मिल रहा है। बात करें ब्रेकिंग व्हील और सस्पेंशन की, दोनों ही स्कूटर पे आपको एचबीएस ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। फ्रंट में, रियर में, दोनों पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल रहा है, जो कि 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। अलॉय व्हील भी आपको सेम देखने को मिल रहा है, जो कि 10 इंचेस के अलॉय व्हील, और टायर भी आपको 3010 साइज के फ्रंट में, रियर में, दोनों स्कूटर पे आपको देखने को मिल रहा है। ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील, जैसे कि हमने बताया दोस्तों। और एम्पियर मैग्नस ईएक्स में और एम्पियर मैग्नस प्रो में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में आपको कॉल स्प्रिंग के सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। तो बात करेंगे इसके डोमिनेशन की। कर्व वेट आपको एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल 1920 mm, वेट आपको 685 mm और हाइट आपको 1120 mm की रखा गया है। व्हील बेस आपको 1390 mm की, और जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो आपको 147 mm की रखा गया है। एम्पियर मैग्नस प्रो की बात करें, आपको ओवरऑल लेंथ 1880 mm, वेट आपको 710 mm, हाइट आपको 1190 mm और व्हील बेस आपको 1415 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस जो है वो आपको 147 mm की रखा गया है। तो बात करेंगे दोनों स्कूटर की फीचर्स की, तो फीचर्स में आपको काफ़ी बेहतर फीचर्स नज़र आ रही है एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल में, क्योंकि दोनों ही स्कूटर पे आपको डीआरएस लाइट देखने को मिल रही है, जो कि डायनेमिक रनिंग सिस्टम और मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, जीपीएस नेविगेशन, कंट्रोल की सिस्टम, या फिर कोई भी पार्किंग असिस्टेंस सिस्टम कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो पर स्टार्ट स्टॉप बॉटम जो फीचर्स है दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल रहा है। यूएसबी चार्जर पॉइंट दोनों ही स्कूटर में मिल रहा है। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें, दोनों ही स्कूटर पर आपको अंडर सीट स्टोरेज मिल रहा है, जो कि 25 लीटर के आसपास। स्पीडोमीटर, कंसोल, सारे के सारे वो आपको डिजिटल के देखने को मिल रहा है। और स्पीडो आपको टीच मीटर जो है आपको एम्पियर मैग्नस प्रो में डिजिटल के देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसमें थोड़ा आपको ज्यादा नजर आ रही है। ट्रिप मीटर भी डिजिटल देखने को मिल रही है। उसके स्पीडोमीटर में आपको लो बैटरी इंडिकेटर, पिलोन ग्रेविल, पिलोन सीट, बहुत सब फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों, हूबहू आपको सेम फीचर्स में भी आपको दोनों ही स्कूटर सेम नजर आ रही है। और सारे के सारे लाइट आपको एलईडी के मिलेंगे, जैसे कि हमने बताया दोस्तों, ऑल लाइट आर एलईडी। तो एडिशनल फीचर्स की बात करें, आपको एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल में पोर्टेबल बैटरी पैक, जो कि डिटेचेबल बैटरी है, वो आपको देखने को मिल रहा है। पर एम्पियर मैग्नस प्रो के वेरिएंट में आपको पोर्टेबल बैटरी पैक, जो कि डिटेचेबल है, विद ड्यूअल स्पीड मोड भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है, और कैरी बैग हुक भी देखने को मिल रहा है एम्पियर मैग्नस प्रो में। तो इसे अगर देखा जाए तो एम्पियर मैग्नस प्रो में आपको थोड़ा ज्यादा फीचर्स देखने को मिल रहा है, जो कि एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल में नहीं है, क्योंकि एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल आपको ज्यादा रेंज दिखाती है, उसके हिसाब से उसके फीचर्स में थोड़ा कम रखा गया है। तो प्राइस के हिसाब से भी हम आपको डिपेंड करके बताएंगे। तो इसके पावर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, एम्पियर मैग्नस प्रो में आपको लिथियम आयन के बैटरी मिल रहा है, जो कि एडवांस लिथियम आयन के बैटरी, जो कि 2.295 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी रखा गया है। बीएलडी हेवी ड्यूट के मोटर आपको देखने को मिल रहा है। और चार्जर की बात करें, आपको 60 वोल्ट के 7.5 एम्पियर के लिथियम आयन के जो चार्जर देखने को मिल रहा है एम्पियर मैग्नस के प्रो में। और कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, 150 केजी के आसपास। बैटरी जो चार्जिंग टाइम होगी वो आपको 6 से 7 घंटे लग जाता है एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल में। और जो टॉप स्पीड दोस्तों, एम्पियर मैग्नस ईएक्स की 53 किलोमीटर के आसपास टॉप स्पीड देखने को मिल रहा है। और जो रेंज है सिंगल चार्ज में 121 किलोमीटर आसपास रेंज दिखाती है सिंगल चार्ज में एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल। तो रेंज के मामले में थोड़ा ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। ट्रांसमिशन भी आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे दोनों ही स्कूटर पर।
रेटेड पावर की बात करें, आपको 1200 वाट की रेटेड पावर जनरेट देखने को मिल रहा है एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल में। तो एम्पियर मैग्नस प्रो के बारे में बात करें, एम्पियर मैग्नस प्रो में आपको एडवांस लिथियम आयन की बैटरी मिल रहा है जो कि 1.68 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी के साथ, जो कि फुल चार्ज हो जाएगी आपको 5 घंटे के अंदर, जो कि फुल चार्ज होने के बाद रेंज दिखाएगी 80 किलोमीटर के आसपास। तो रेंज के मामले में एम्पियर मैग्नस ईएक्स मॉडल थोड़ा ज़्यादा है जो कि 121 किलोमीटर आसपास रेंज दिखाएगी, नहीं तो बाकी फीचर्स से थोड़ा ज़्यादा है एम्पियर मैग्नस प्रो के वेरिएंट। टॉप स्पीड आपको 55 किलोमीटर रखा गया है एम्पियर मैग्नस प्रो में, पर एम्पियर मैग्नस ईएक्स में आपको 53 किलोमीटर आसपास रखा गया है। तो 6 घंटे के अंदर आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा एम्पियर मैग्नस प्रो, जो कि 150 kg के आसपास लोड कैपेसिटी देती है। बीएलडीस मोटर मिलती है जो कि 7.5 एम्पियर के आपको चार्जर आउटपुट भी दिए जाएंगे। तो इन दोनों वेरिएंट में आपको लगता है थोड़ा सेम फीचर्स में आपको थोड़ा बहुत सेम आ रहा है, यानी एम्पियर मैग्नस प्रो थोड़ा ज़्यादा है एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल से। तो रेंज में एम्पियर मैग्नस ईएक्स 121 किलोमीटर रेंज दिखाती है, तो रेंज के मामले में एम्पियर मैग्नस ईएक्स वाला मॉडल थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर दोस्तों इन दोनों वेरिएंट को कंपेयर करोगे, तो अगर रेंज के मामले में अगर आप जाना जाता है, तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा चलाते हैं रेंज चलाते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को, तो आपके लिए एम्पियर मैग्नस ईएक्स मॉडल ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर ऑफिस वगैरह दूर दूर तक चलाते हैं तो आपको एम्पियर मैग्नस ईएक्स बेहतर होगा, और फीचर्स के मामले में लेना चाहते हैं तो एम्पियर मैग्नस प्रो आपको थोड़ा ज़्यादा साबित हो सकता है। तो बात करें इन दोनों स्कूटर के प्राइसिंग की, एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल दिल्ली के लोकेशन पर आपको ऑन रोड की प्राइस 72,322 रुपीज में दिल्ली के लोकेशन पर मिल रहा है। तो ऐसे फाइनेंस करना चाहते हैं तो फाइनेंस भी कर सकते हैं। और एम्पियर मैग्नस प्रो की बात करें, वो आपको दिल्ली के लोकेशन पर ऑन रोड की प्राइस 69,794 में। तो आपको दोस्तों एम्पियर मैग्नस ईएक्स के मॉडल 4-5 हज़ार के थोड़ा ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो इसके हिसाब से आपको इसका जो रेंज रहेगी वो आपको 121 किलोमीटर रेंज, तो आपके हिसाब से आप दोस्तों देख लीजिएगा। तो इन दोनों वेरिएंट में कौन सा मॉडल आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस तरह के अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।